रिसेंटली आपने ट्विटर के जरिए आपने अपनी मन की बात कही थी, जो आपको बहुत दिनों से सताया जा रहा है एक बिल्डर के थ्रू, आपके प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चले उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या है इतने दिनों से जो चल रही है उसके बारे में जरा पहले बताएं। नहीं, इतने दिनों से जो चल रहा है, हम बेजार होके अब मदद मांग रहे हैं सीएम से, पीएम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि 10-12 साल हो गए हैं ये कोर्टबाजी के, और ये जो अड़चने सामने पेश की जा रही हैं, और ये आदमी जो लैंड ग्रैबर है, जो फोजरी में माहिर है, जो फ्रॉडुलेंट आदमी है, समीर भोजवानी, उसका इतना मसल पावर है, इतनी उसकी दौलत है, कनेक्शन उसके ऐसे बड़े बड़े हैं पॉलिटिकली कि वो उसका कोई बिगाड़ कोई कर ही नहीं सक रहा है। यानी कि जो गलत हरकतें वो करता है, करता आया है, इल्लीगल काम जो करता है, चारों तरफ इल्लीगल काम करता है। हमारे बंगले के सामने जैसे एक ज़मीन छोटी सी थी, तो वहाँ पे जो है आके कहने लगा दिलीप साहब से, मेरे भैया सुल्तान अहमद से, मुझसे, कि वहाँ एक छोटा सा मुझे कॉटेज बनाना है अपनी बहन के लिए, उनकी बहन के लिए। तो हमने कहा भाई इस ज़मीन पे सामने आप बनाओगे तो हमारा पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता है, अच्छा नहीं लगता यहाँ, आप प्लीज़ देखिए कि आप छोटा सा ही ग्राउंड फ्लोर का बनाएं जैसे आप कह रहे हैं। ये बातचीत उनसे करके, और हमने बहुत नेक नियति से उनको इजाज़त दी कि अच्छा जी चलो आप कर लीजिए सामने, ये ज़मीन तो हम लेने वाले थे लेकिन अब आपने ली है तो चलो आप ठीक है, आप अपनी बहन के लिए छोटा सा करना चाह रहे हो। हम चले गए बम्बई से बाहर, चले गए 2-2.5 महीने टूर पे चले गए थे, और जब वापसी हमारी हुई तो आप यकीन मानिए कि छोटा सा कॉटेज तो क्या, उन्होंने अच्छी खासी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दी। और कैसे खड़ी की, कि हमारी जो कंपाउंड की वॉल है, हमारे गार्डन की जो वॉल है, उसी से लगता हुआ स्लैब उठाया उसने बिल्डिंग के लिए। यानी कि जो फायर ब्रिगेड के जो रूल्स होते हैं, फायर के रूल जो होते हैं, उसके लिए आपको इतनी जगह छोड़नी पड़ती है, 6 फीट या खुदा जाने कितनी, चिराग जाते हैं फायर ब्रिगेड को घूमने के लिए। ये फायर हैजर्ड है सिर्फ उनके लिए नहीं, बिल्डिंग वालों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, पास की बिल्डिंग के लिए, पूरे जो एम्बियंस है यहाँ, हम सबके लिए फायर हैजर्ड है। हमने बताया म्यूनसिपैलिटी वालों को, जो लोग इंचार्ज थे उनको बुला बुला के बताया, लेकिन समीर भोजवानी की तो कहते हैं कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी में तो टेबल लगती है, वो तो रईस है वहाँ, उनका टेलीफोन है, उनकी टेबल है, उनका यानी कि अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई उनका बाल भी बिका नहीं कर सका आज तक, इस बात को हो गए हैं सालों साल। तो जब ये आदमी ऐसी सीनाजोरी कर सकता है हमारे साथ, दिलीप साहब के साथ, वो पूरा बिगाड़ कर रहा है कि बंगला तो दिलीप साहब का है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, वो तो लैंडमार्क है, दिलीप कुमार हाउस है वो, वो इसका हाउस कहाँ से हो गया? इसकी बेईमानी की वजह से ये हमको तंग कर रहा है, और हमें तंग कर रहा है कि दिलीप साहब की तबीयत ज़रा थोड़ी नासाज हुई थी, और ये सब हरकतों से दिलीप साहब की तबीयत और बिगड़ गई है, दिलीप साहब और बीमार हो गए हैं नेचुरली, कितना रंज हुआ है। ये मकान है जो इमोशनली हमारा अटैचमेंट है, दिलीप साहब के छोटे भाई बहन सब यहाँ पले बड़े हुए हैं, तो ये एक इमोशनल हमें अटैचमेंट भी है, और दिलीप साहब का ओनली घर है एक घर, उन्होंने कोई 10 घर तो बनाए नहीं, वो ऐसे किस्म के एक्टर नहीं रहे हैं जो 300 पिक्चर में काम करें, 300 फिल्म में काम करें, उन्होंने पूरे अपने स्पैन जो कैरियर का है उसमें आई थिंक हार्डली 56 अच्छी पिक्चरें बनाई होंगी, अच्छी फिल्म बनाई होंगी। तो दिस इज़ अ मैन जिसने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उसने अपने कैरियर के लिए सेक्रीफाइस किया है। छोटे छोटे लोगों को, आम लोगों को मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, छोटे छोटे लोगों को बसाया है इन्होंने, हेल्प किया है, और इस तरह से इस खामोशी से, इज्जत से, यानी कि उन्होंने कोई वो ढोल ताशा पीट के नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ,
किसी को पता भी नहीं चलता था और लोगों को इस्टेब्लिश कर देते थे दिलीप साहब, जिसके लिए आज तक जो है कॉमन लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं। अब उन्होंने क्या क्या किया हुआ है वो चिराग से सुनिए आप। ओके जी, जैसे आपने कौन से लीगली प्रोसीजर दिया है इसके थ्रू, जो थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में बताना चाहें। नहीं, हमने जब हमें रियलाइज हुआ, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स विच मैडम सेड, दैट जेंटलमैन ने रॉन्गली क्लेम किया कि ये जगह हमने खरीदी है 1980 में 25,000 रुपये दे के, जबकि दिलीप साहब ने ये प्रॉपर्टी 1953 में 1,40,000 रुपये से रजिस्टर्ड डीड, यानी कि 53 में। और ये जेंटलमैन कह रहे हैं 30 ईयर्स डाउन द लाइन के उन्होंने 25,000 दे के खरीदी। 30,000 बाद 25,000 में दिलीप साहब ने उनको क्यों दी होगी भाई। एंड देर आफ्टर जब हमने इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट की है, तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट्स मंगाए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, तो पुलिस को रियलाइज हुआ कि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो के इन्होंने जाली कागजात बना के अपना डॉक्यूमेंट किए। जब पुलिस का फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इतना जाहिर हुआ कि ये लैंड माफिया जो समीर भोजवानी है, इन्होंने मैडम के अलावा और बहुत लोगों को चीट किया, बहुत लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, और ही टेक्स एडवांटेज ऑफ पीपल हु आर लिटिल ओल्ड एंड ऑल। Now, when all this thing came into light, he was arrested. Now, after his arrest, also police conducted raid, enforcement directed, raided his house, and it came to know that he had stashed so many monies abroad and all this thing. It was found that he is connected to Dr. Zakir Naik, who is on the run. There are so many aspects to that effect. But connections aise aise. Which is funding wagera. And in view of that said fact. जब वो जेल में थे तो उनकी बीवी और उनकी बहन दे हैव अप्रोच सायरा जी और कहा कि आप इनको, वो बदल गए हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी जाली कागजात बना है उसको वो सरेंडर करेंगे, आप उनको जेल से बाहर आने में मदद करें। जब अश्योरेंस दिया, हमने बोला कि आप बाहर आके, फिर उसको जेल से वो बाहर आके मैडम के पास आए, उन्होंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रहा हूँ। वो खुद आया यहाँ इन लोगों के साथ, महेश जेठमलानी के साथ में आए, और मैडम को अश्योरेंस देने के बाद, हॉनरेबल सीएम को अश्योरेंस देने के बाद भी अभी तक उन्होंने ना ही कुछ प्रोग्रेस किए, ऑन द कॉन्ट्ररी ही स्टार्टेड हरेसिंग मैडम एंड साहब अगेन। एट दिस एज मैडम लॉस्ट हिज ब्रदर बिकॉज ऑफ दिस लिटिगेशन। मैडम इतना उनके ऊपर स्ट्रेन आ रहा है, मेरे भाई के ऊपर, और मेरे भाई सब करता धरता भाग दौड़ करने वाले, वो ही मेरे से कुछ ही बड़े थे, 4 साल बड़े उम्र में। इतना उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ा, इतना स्ट्रेस आया, इतना परेशान किया इस आदमी ने, कि एक रोज़ उनको 25 मिनट के अंदर ऐसा ज़बरदस्त हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। मेरा भाई चला गया इस लड़ाई झगड़े में, सोचो। ओके मैम, आपको बहुत दिन से हैरेस भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बता दें, आपको धमकी भी मिल रही, क्रिस पकड़ के धमकी मिल रही है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते। अब धमकी के बारे में, धमकी के यानी धमकियाँ, ऐसे बहुत से लोग जो ये लैंड माफियाज होते हैं वो डायरेक्ट धमकी नहीं देते, वो कोर्ट केस करके, ब्यूरोक्रेट्स को करके, इनडायरेक्टली बहुत से थ्रेट्स डायरेक्ट नहीं होते, वाया मीडिया होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, एंड दे आर अवेयर अबाउट दिलीप साहब्स हेल्थ एंड दे वॉन्ट टू हरेस देम। सो बाय हरेसिंग देम ही वॉन्ट्स टू अचीव हिज पर्पज, सो दैट मैडम एट दिस एज फील्स that you take away the property, I don't want to build a museum. That is what his intention is. He wants to build a huge building over here. यही उसकी कोशिश है ना? See, if you have a money power, आपके पास अगर बहुत सा पैसा है, आपके जेब में जब government officers है, collectors से लेके सब लोग, तो ये वो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो चाहता है कि मैडम ये हरेसमेंट से थक के उनके साथ सेटलमेंट कर दे, जबकि मैडम को फुल होप है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल सीएम जो मैडम की बात सुनेंगे और वो इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे, बिकॉज ये कानून की मैटर्स में 30-40 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। हम लोग कितनी भाग दौड़ करेंगे, मैंने कहा ना मेरे भाई चल बसे लास्ट 12 साल से, दिलीप साहब की तबीयत खराब है, नहीं तो वो खुद अपना बैठ के सब ठीक करते, और अब मैं क्या भागूं, कोर्टबाजी करूं इस उम्र में आके। और भी लोग हैं जैसे कि मैं पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, दूसरा बंगला है नासिर हुसैन जी का है, खताओ फैमिली का है, सबके साथ उन्होंने ऐसा ही किया है, एंड ही इज़ अ हैबिचुअल क्रिमिनल। जब एक इंसान को आप एक दिशा से नहीं, हर बाजू से आप घेरना चाहते हैं, और क्या होता है, ये सब चीज़ों से मैडम की हेल्थ पर असर हो रहा है, साहब की हेल्थ पर असर हो रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा, लास्ट 10-12 साल से चल रहा है। इसके लिए अगर
कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर कोई डॉक्यूमेंट को स्टडी करे, इट इज़ आउट एंड आउट फॉर्जरी. दैट इज़ वाई वी रिक्वेस्ट यू एज अ मीडिया टू जस्ट सी द डॉक्यूमेंट्स एंड टेक लेकिन मुंबई में सुना कल्याण वगैरह इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उन्होंने सीएम को डायरेक्शन ऐसे हमने ट्वीट में पढ़े है की पीएम साहब ने सीएम साहब को बोले है की आप ये मैटर को जल्द से जल्द सुलझाए, इस पेपर को स्टडी करें. सिंस प्राइम मिनिस्टर इज बिजी, आई थिंक एंड वी आर वेरी होपफुल दैट प्राइम मिनिस्टर विल लुक इन टू द मैटर एंड हियर मैडम फॉर 5 मिनट्स. एंड इट इज अवर रिक्वेस्ट दैट इन दिस कंट्री वी हैव हाई होप्स फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. एंड आई होप के होप आवर काइंड सीएम आल्सो विल लुक इनटू इट और वो एक्शन लेंगे. 3 महीने से वो मुझे प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि वो जरूर उनसे बातचीत करके और मामला जो है सुलटाएंगे. फडणवीस जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने जो भी उन्होंने कहा है कि वो सुलटाने की कोशिश करेंगे. आई होप ही विल बी यू नो स्टिकिंग टू हिज वर्ड एंड डूइंग द नीडफुल. ओके चिराग जी, आपसे जानना चाहिए कि आगे की प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर क्या होगी, आपने अब क्या ली है एक्शन, जो अगर बताना चाहिए. लीगल प्रोसीजर में तो हम 6 बार टोटल जीत चुके हैं. उन्होंने 6 बार ट्राई किया मैडम का कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, हर बार वो हारे है. अभी उसने अपील फाइल की है, पर हमारे देश में सिस्टम ऐसा है कि अपील के ऊपर देन हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, वो गैर कानूनी बनावटी कागजात के ऊपर अपना क्लेम केस बना रहा है. इसके लिए हम चाहते हैं कि ये पेपर को स्टडी किया जाए और वही कागजात जिसके बेसिस पे वो अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहा है, वही कागजात ईओडब्ल्यू ने और पुलिस ने पाया गया है कि ये बोगस डॉक्यूमेंट्स हैं. तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी प्ली पे हियरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल हो और जो कागजात जो जाली है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनके साथ मिलकर ये हुआ है उनके अगेंस्ट में इमीडिएट एक्शन हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से. ओके मैम, आपसे भी एक चीज़ सिर्फ जानना चाहेंगे, साहब जी की सेहत अब नासाज रहती है, बट आप बीच बीच में आप पोस्ट करते रहते हैं और उनके अभी जन्मदिन भी था, तो उनके बारे में थोड़ा बताया कि फैन जानना चाहिए उनकी तबीयत अब कैसी है. हाँ, मैं सबसे इन टच रहती हूँ, व्हाट्सअप जो आते हैं. और आपको खुशी होगी कि बर्थडे में भी दुनिया के हर कोने से मैसेजेस आते हैं. दिलीप साहब बहुत खुशनसीब हैं कि आप सबकी दुआ है उनके लिए. तो आपको ये जान के खुशी होगी कि कहीं लंदन में गेट टुगेदर हो रहा है, कहीं कनाडा में हो रहा है, कहीं पेशावर में और एक जगह अहमदाबाद में. इस तरह से पॉकेट्स अलग 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 हैं. फिर वो लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ केक कटिंग होती है, लाउड स्पीकर्स लगाए हुए होते हैं, फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं मैसेज के लिए. तो जब दिलीप साहब की तबीयत ठीक थी तो वो ख़ुद भी वो बात किया करते थे. अब किसी दिन मूड है, किसी दिन नहीं है, अगर नहीं बात करते तो फिर मैं उनकी जगह मैं बात कर लेती हूँ उन सबसे माइक के ऊपर, और सबको खुशी होती है कि हमसे कॉन्टैक्ट हो गया. इस तरह से बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेशन हो जाता है. और टच बोर्ड ढेर सारे फूल आते हैं, इतने सारे ढेर सारे केक्स आते हैं जो हम 10 दिन तक खाते रहते हैं. केक कटिंग जो है वो रोज़ाना होती है. बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बहुत, और बहुत खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मैं. और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब की दुआ होगी कि ये मसला जो है हल हो जाए एंड हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर एंड डियर सीएम आल्सो विल हेल्प आउट. आई रियली होप सो. आई प्रे सो. मैम, एक मैसेज देना चाहे मोदी जी को, क्योंकि वो यहाँ ही है, हम अगर कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं. हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब दिलीप साहब जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया है, अपने प्रोफेशन के लिए इतनी सैक्रिफाइसेस दे के इतना नाम कमाया है, यानी कि वो जो है उनको कहते हैं हिंदुस्तान का कोहिनूर. दिलीप साहब जो हैं, मैं उनको कहती हूँ कि वो हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं जिनको इतना दर्जा दिया जाता है. अगर उनके साथ ये ऐसी बदतमीजियाँ हो रही हैं और इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, तो मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी तरह से मैटर जो है वो सॉल्व कर दें
और ख़त्म करें अब ये मैटर, ताकि हम एक खूबसूरत सा म्यूज़ियम बना सकें और उस घर को जो है रेनोवेट करके जैसे हम चाहें हम उसके साथ अच्छा सब सलूक करें। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सर हेल्प अस आउट नाउ, रियली वी आर फेड अप एंड टायर्ड ऑफ दिस समीर भोजवानी जो कि इतना खबीस आदमी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड मेक दिस मैटर ऑल राइट फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू। Yes. नहीं लगा लगा।